हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपसे मुखातिब मैं फ़र्स्ट टाइम हो रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो गाइज़, मैंने इसमें पटना तक का सफ़र, पटना से NIT घाट, इन सभी सफ़रों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। यानी कहें मैं कैमरे में कैद करके आप सभी तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके अब जो अपने घंटी होते हैं रेड कलर के, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि अगर मैं भी जब भी नया वीडियोस डालूं तो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये रास्ते की खूबसूरत नज़ारों को मैंने कैमरे में कैद किया और आप तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश की, जैसे मैंने पहले बोल दिया है। तो मैं इस खूबसूरत माहौल को म्यूज़िक के माध्यम से, यानी गाना लगा दूँगी, मैं बैक साउंड लगा दूँगी ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें। सफ़र थोड़ी सी लंबी होती है, बट हाँ, एंजॉय तो करता है ग्रीन व्यू देख के इंसान। और ये नदी की फैलाव को देखा मैंने, नदी कुछ ज़्यादा फैल गई थी बरसात के टाइम में, ये कुछ ज़्यादा ही नदियाँ उफान हर नदियाँ रहती हैं, तो ये भी अपने जगह से थोड़ा इधर उधर घसक चुकी हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत लोग परेशान होते हैं, अपने घर को छोड़कर रोड पे गुजर बसर करने को मजबूर हो जाते हैं, ऊंची जगहों को ढूंढने लगते हैं। तो कुछ ये, और ये खूबसूरत, सबसे खूबसूरत ये लगा कि मैं यहाँ पर नाव लगे हुए थे, ग्रीन व्यू था, गंगा मैया की किनारे थे, तो ये सब मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो सोची मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो ये मैं शेयर की हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है आप सभी के साथ। मैंने वीडियोस में पहले कह दिया है, मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे समझ भी नहीं आया। तो गाइस, इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, और मैं साथ में आपको, जैसे कहा, जैसे पहले भी वीडियो में बोली हूँ कि NIT घाट तक का सफ़र मैं करवाऊँगी, तो कुछ वीडियोज़, कुछ क्लिप्स को मैंने इसमें ऐड की हुई हूँ। ये रहा आपका, अब NIT घाट में मैं नहीं चलती हूँ आपको। तो दोस्तों, ये रहा आपका NIT घाट, पटना का मशहूर घाट। यहाँ के सबसे खूबसूरत नज़ारे तब होते हैं जब शाम के समय आप किसी भी कोने पे जाके अगर फ़ोटो शूट करते हो तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पल होगा। और अभी तो पूरा पानी पानी हो चुका है, तो लोगों को थोड़ा परेशानी हो रहा था, बट सुनने में, जैसे मैं सुनी हूँ, जगह खाली होते हैं, तो यहाँ बहुत पानी होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, बट कोई नहीं, एंजॉय किया यहाँ, शांत वातावरण, खूबसूरत माहौल। बट हाँ, संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही परेशानी बॉयज लोग करते हैं, जो मुझे, मैं इस चीज़ को देखी और मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा। कोई नहीं, हम इस बात को इग्नोर करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी पटना वालों, अगर पटना के बॉयज इस वीडियोज़ को देखेंगे तो मैं एक चीज़ कह देना चाहती हूँ, कोई, आज का समय ऐसा है कि आप किसी भी सोशल साइट पे मिल सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले खूबसूरत नज़ारे के बारे में बता देती हूँ, ये बहुत खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे मैंने कुछ बॉयज के वीडियोज़ रिकॉर्ड की है, जो गाने गा रहे थे, इन्जॉय कीजिए। गा रहे थे, गुनगुना नहीं रहे थे, मैं गुनगुना रही हूँ मेरा भी आपकी जुटे हुए थी। वैसे आप इंजॉय कर ही रहे होंगे, मुझे इंजॉय कर रहे होंगे, एक खूबसूरत नज़ारा, मैं मस्ती कर रही थी तो मैं उसको भी क्लिप में ऐड कर दी। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर बॉयज पटना के बॉयज देख रहे हैं, या फिर कहीं भी किसी, कोई भी लड़का अगर इस चीज़ वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कोई भी लड़की जाती है, कहीं भी जाती है, तो आप इस तरह से परेशान मत क्या कीजिए, ताकि वो अच्छा फील ना करे, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
कि बॉयज लोग, आई रिक्वेस्ट यू, आप किसी भी गर्ल्स को परेशान मत कीजिए। परेशान लड़कियां होंगी तो आप भी परेशान हो सकते हैं। सोच लीजिए कि NIT घाट का नाइट व्यू है, मैंने शाम के समय रिकॉर्ड किया है और शायद ही यहाँ पर मेरा वीडियो खत्म होता है NIT घाट से पटना तक का। और ये थोड़ी सी मस्ती है, और मेरा इंस्टाग्राम ID है jyotipriya11, तो प्लीज़ जाके मुझे फॉलो कीजिए फटाफट। और मैं लास्ट में कहूँगी, इस तरह से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।